हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही है और अभी हम लोग पेपर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 7 क्लास हो चुकी है और आज की इस क्लास में हम लोग 8 क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है तो भैया समाज, सामाजिक संरचना और सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। इन तीनों पॉइंट को खूब अच्छे से हम लोग समझेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके जो पेपर का नाम है लास्ट में समाज, और वहीं से भैया ये टॉपिक भी शुरू हो जाती है समाज। तो पूरी क्लास को खूब अच्छे से देखेगा। अगर आपसे कोई पूछे भैया बीएड थर्ड सेमेस्टर में हो, आपके सेकंड पेपर का नाम क्या है, तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए, सर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी हमारे पेपर सेकंड का नाम है। ठीक है, चलिए। क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर फर्स्ट का नाम है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो पूरी क्लास को खूब अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, और एक बार मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे क्लास समाप्त हो जाती है तो आप एज अपना फैमिली मान के द परफेक्ट स्टडी को, आपके जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कॉलेज ग्रुप हैं, उनमें द परफेक्ट स्टडी को जरूर शेयर किया करिए। ठीक है, क्योंकि कहते ना, अगर जो बच्चे थोड़ा सा दिशा से भटके हुए हैं या फिर क्लासेज नहीं पा पा रहे हैं, उन तक द परफेक्ट स्टडी को पहुंचाना आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व तो बनता है, तो उन तक द परफेक्ट स्टडी को जरूर शेयर किया करिए, ये मेरी बात थोड़ी सी मानकर। ठीक है, चलिए। और आपको नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करना है। आइए क्लास को बिल्कुल जड़ में जाके समझेंगे क्या होता है समाज। तुरंत आपके दिमाग से आना चाहिए, आपके मुंह से जबान निकलना चाहिए कि सर जी समाज होता है सामाजिक संबंधों का जाल, और सामाजिक संरचना क्या होती है सर? तो सामाजिक संरचना में कई तत्व मिलकर सामाजिक संरचना होता है, और सोशलाइजेशन क्या होता है, इन सब पॉइंटों को आइए शुरू करते हैं, क्लास को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं समाज क्या होता है। मैकाइवर इसके बारे में क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी डिफिनेशन देते हैं, समझने वाली डिफिनेशन है, थम के समझिए। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध कैसे हो सकते हैं? आर्थिक संबंध भी हो सकते हैं, राजनीतिक संबंध भी हो सकते हैं, व्यवसायिक संबंध भी हो सकते हैं। तो जितने प्रकार की ये संबंध है ना, उन्हीं जालों को हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सोसाइटी, उन्हें हम समाज कहते हैं। इतना अगर समझ गए तो एक बार यस करिए हाँ सर। जो बदलता रहता है, यानी जो सामाजिक संबंध है ना, वो बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पर्सन ए बी और सी, अभी मान लीजिए जो ए सी है, इनका भैया जो बॉन्डिंग है, ये मान लो जो 100% है सामाजिक संबंध का, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया इनमें दोनों में थोड़ा सा खटास आ गई, तो बी सी अपना एक तरीके से इनका सामाजिक संबंध अच्छा हो गया, फिर कभी कभी बी ए का हो गया। तो जो सामाजिक संबंध है ये बदलते रहते हैं, कभी खटास कभी मिठास, कभी खटास कभी मिठास, तो सामाजिक संबंध बदलते रहते हैं। और मैकाइवर की सबसे अच्छी बात है कि सामाजिक संबंध जो होते हैं भैया, वो एक तरीके से जाल है। ठीक है, एक तरीके से जाल है समाज, जो सामाजिक संबंधों का जाल होता है, ये आपके कहते हैं मैकाइवर साहब। अगर इतनी पॉइंट को समझ गए तो एक बार यस करिए, भूमिका में बना दिया हूं मैकाइवर के डिफिनेशन से कि हाँ सर हम समझ गए कि समाज क्या होता है। तो सामाजिक संबंधों का जाल होता है जो सदैव बदलता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए कभी बहुत प्रिय होता है, कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत प्रिय अप्रिय कभी कभी बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कभी कभी उसके बिजनेस में आप जब शुरुआत करते हैं तो आपके बहुत अच्छा संबंध रहता है, बाद में संबंध आपके थोड़ा सा खटास हो जाते हैं, आप दूसरे के साथ बिजनेस करने लगते हैं, दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद कर देते हैं। तो समाज का जो संबंध है वो एक तरीके से बदलता भी रहता है, ये कहते हैं हमारे मैकावर साहब। अगर आपके एग्जाम में आ जाए भैया कि समाज, समाज को परिभाषित कीजिए, समाज को परिभाषित कीजिए, तो मैकाइवर की डिफिनेशन पहले लिखिएगा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, ये मैकाइवर की डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। गिडिंग्स की डिफिनेशन को समझते हैं, समाज के बारे में क्या कहते हैं। बहुत ही प्यारी डिफिनेशन है, समाज स्वयं एक संघ है या फिर एक संगठन है जो औपचारिक संबंधों का योग होता है। सही सही, जो मैकाइवर कहते हैं उसी को ये एक्सपेंड करते हुए कह देते हैं कि जो समाज है ना, एक प्रकार का संघ है, कई व्यक्तियों का समूह है, कई व्यक्तियों का संगठन है, जो औपचारिक संबंधों का योग है, एक तरीके जो फॉर्मल संबंधों का योग होता है, और जो व्यक्ति इसमें सहयोग देते हैं वो एक दूसरे से मिल के साथ रहते भी हैं और उनका संबंध भी रहता है, ये कहते हैं समाज के बारे में गिडिंग साहब। इसके बारे में राइट साहब क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है,
वो कहते हैं कि हाइये, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, ये मान लीजिए सी व्यक्ति हो गया, ये मान लीजिए डी हो गया, ये मान लीजिए ई हो गया, ये व्यक्तियों का समूह को ही हम समाज नहीं कहेंगे। ये कौन कहता है? राइट। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। राइट साहब इसे सिरे से नकार देते हैं, कहते हैं भैया हम व्यक्तियों के समूह को तो समाज कहेंगे, लेकिन उसके बाद भी एक डिफिनेशन होती है, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध है उन संबंधों के संगठित रूप को समाज कहते हैं। तो ये राइट की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि समाज भैया केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं बनता, बल्कि उनके मध्य जो एक तरीके से पारस्परिक संबंध है, क्रियाकलापों का जो पारस्परिक संबंध है, उनके संगठित स्वरूप को ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। इतना अगर तीन डिफिनेशन मैं आपके सामने लाया हूं, अगर तीन डिफिनेशन समझ गए हैं तो एक बार सभी के सभी बच्चे यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बार मैं आपसे कुछ बातें बता दूं, देखो जो सीटेट की क्लास चल रही है, जो सीटेट की क्लास मैं अभी आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, और सीडीपी पढ़ा रहा हूँ अभी, कोहल बर्ग वाइगोत्स्की की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इन क्लासों में आप ज्वाइन होया करिए, क्योंकि जब सीटेट का एग्जाम नजदीक आ जाएगा ना, तो आप हड़बड़ी में हो जाएंगे कि ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, तो अच्छे रिजल्ट नहीं आते बच्चे। तो जो क्लासेज मैं करा रहा हूँ सीटेट की रेगुलर बेस पे, उन क्लासेज को आप लोग किया करिए, ठीक है? सीटेट का बिल्कुल डीप मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए आप मैं कहता हूँ सीटेट मेरे साथ ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं आपको बीएड का लेवल पढ़ाया हूँ, और मैं बीएड पढ़ाते समय ये चीज बिल्कुल अच्छे से मुझे पता है कि कौन सी टॉपिक आपको कहाँ छोड़ी गई है, कौन सी पढ़ाई गई है, तो उस हिसाब से आपका सीडीपी का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो पूरी क्लास को अटेंड किया करिए जो मैं सीटेट का सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? समय निकाल के उन क्लासेस को जब भी मौका मिले तो देख लिया करिए, प्लेलिस्ट में वो क्लासेस पड़ी रहती हैं। आइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। जो ही बच्चे हैं, दो चार बच्चे, खूब मन से पढ़िए, चीजों को समझिए, मैं अपना 100% आपके साथ दे रहा हूँ। चलिए, मैं कई बार कहते हैं कि जो समाज होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है जो सदैव बदलता रहता है, किसी के साथ कभी हमारा संबंध अच्छा भी हो सकता है, किसी के साथ बुरा भी हो सकता है, तो यानी ये हमेशा गतिशील रहता है, इसे आप गतिशील कहना और बेहतर होगा, ये हमेशा गतिशील रहता है। क्या रहता है सर? ये हमेशा गतिशील रहता है हमारा सामाजिक संबंध। चलिए आइए, और उसके बाद गिडिंग साहब क्या कहते हैं कि ये समाज एक संगठन है, ठीक है, एक संघ है जो औपचारिक संबंधों का योग है, ये कहते हैं हमारे गिडिंग साहब। और राइट साहब तो पूरा पूरा समाज को उधेड़ के रख देते हैं, ये कहते हैं समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके मध्य जो परस्पर संबंध है, जो क्रियाकलाप है, उन संबंधों के संगठित स्वरूप को क्या कहते हैं? तो भैया उन्हें हम समाज कहते हैं। ये राइट तीन डिफिनेशन में बताया हूं, तीनों डिफिनेशन में से किसी योग को एग्जाम में लिख दीजिएगा। आइए अब हम लोग समाज से कुछ करेक्टर इसी को समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू हो रही है, एग्जाम में पूछता भी है। आइए समाज की विशेषता में समझते हैं। मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे एक माता पिता है, इन लोगों को मिला के हमारी सोसाइटी बन रही कि नहीं बन रही? तो कहोगे सर जी इन सबका आपस में संबंध है, टीचर का स्टूडेंट से संबंध है, स्टूडेंट का माता पिता से संबंध है, माता पिता का टीचर से संबंध है, तो यानी एक तरीके सबका एक आपस में कॉम्बिनेशन है, जाल है ये, ठीक है? तो इस हिसाब से समझते रहिएगा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। समाज में व्यक्ति परस्पर जुड़े रहते हैं, ये हम सब जानते हैं कि भैया कोई भी समाज में अगर व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे तो समाज ही बिखर जाएगा, तो समाज में व्यक्तियों का जुड़ा रहना भी अनिवार्य है, और कोई भी समाज तभी होगा जब भैया उसमें व्यक्ति जुड़े रहेंगे, अपने क्रियाओं द्वारा, अपने व्यवहारों द्वारा, अगर किसी सोसाइटी में जुड़े रहेंगे तभी समाज का निर्माण हो पाएगा, तो भी इसकी एक विशेषता हो जाती है। समाज व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को प्रदर्शित करता है या फिर घोषित करता है। जैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति भैया दूसरे व्यक्ति के साथ कौन सी अंतःक्रिया कर रहा है, कौन सा भैया व्यापार कर रहा है, कौन सी लेन देन कर रहा है, तो उन सबको प्रदर्शित ही करता है हमारा समाज, हमारी सोसाइटी। इन पॉइंट को समझते रहिएगा। अगले पॉइंट को समझ लीजिए, संबंधों का संगठित रूप ही समाज है। जो भी संबंध है उनका एक रूप, संगठित रूप ही भैया क्या है? समाज है। ये समाज की विशेषता है। समाज स्वयं में एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कई व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक संघ बनता है ना, तो समाज जो है वो खुद में एक संगठन है, ये इसकी विशेषता हो जाती है। अब समाज की संरचना हेतु कुछ आवश्यक तत्व को समझ लीजिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं समाज को संरचना करने में। यहाँ पे दो पॉइंट को हम लोग समझेंगे, एक समाज की संरचना को समझेंगे थोड़ा सा हम लोग समूहों के द्वारा, और एक पॉइंट को और समझेंगे, अभी मैं नीचे उसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले समाज की संरचना हेतु कुछ आवश्यक तत्व। सबसे पहले अगर कोई समाज बनाना चाहते हैं तो उसमें व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है।
ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अकेले आप हैं, तो आप भैया कोई समाज, कोई 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 समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ओके सर जी, नहीं, तो भैया आप समाज का निर्माण कब कर पाएंगे, जब इसमें कई व्यक्ति को सम्मिलित करेंगे, तो व्यक्तियों के समूह को ही हम समाज कह सकते हैं। ये भी इसकी एक डिफिनेशन में तैयार हो गई, परस्पर संबंध। आप सबको पता है समाज तभी निर्माण होगा जब एक दूसरे के साथ संबंध होंगे, तभी हम किसी समाज का निर्माण कर सकते हैं। अंतः क्रिया, आप किसी क्रिया के द्वारा भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तब भी समाज की संरचना होती है संगठित रूप। कई व्यक्ति अगर मिले जुले रहते हैं तब समाज की निर्माण होता है, समाज की संरचना होती है, ये भी इसके आवश्यक तत्व होते हैं। चार इसके आवश्यक तत्व होते हैं, और इसे अन्य शब्दों में अगर देखा जाए तो सामाजिक संरचना भैया कुछ और इसमें होते हैं, जैसे जाति या वर्ग। जैसे हम कह सकते हैं कुछ जातियां होती हैं, वो आपस में एक मिलके एक अलग अलग एक एक समाज का निर्माण करती है। कुछ जातियां एक अलग समाज का निर्माण करती हैं, कुछ वर्ग मिलके एक अलग समाज का निर्माण करते हैं। तो समाज के निर्माण में जातियां और वर्ग भी महत्वपूर्ण होते हैं। धर्म, हम पता है भैया कि सामाजिक संरचना धर्म के आधार पर भी होती है, संस्कृत के हमारा जो भी कल्चर है उसी के हिसाब से हमारे समाज का भी निर्माण होता है, ये भी सामाजिक संरचना में ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जाति, धर्म और संस्कृत, परंपराएं और मान्यताएं, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपके जब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में समाज पढ़ाया था, सोशल डेवलपमेंट, तो बताया था हर समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं। अगर उस समाज के मूल्य को आप नहीं मानेंगे तो समाज से आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो समाज के निर्माण जब हम बात करते हैं तो परंपराएं और मान्यताएं, जैसे मान लीजिए कोई समाज है उसका नाम, मान लीजिए कोई समाज है उसका नाम मान लीजिए कि मान लीजिए यक्ष है, ठीक है, कोई समाज है उसका नाम मान लीजिए यक्ष है। अब ये बताइए इस समाज का कोई रूल एंड रेगुलेशन है? रूल एंड रेगुलेशन ये है कि इसमें जो भी जाएगा वो सबसे हाथ मिलाएगा और सबको भैया सबको प्रणाम करेगा। आप गए, ना ही किसी से प्रणाम कर रहे हैं, ना ही किसी को नमस्कार कर रहे हैं, ना ही किसी से हाथ मिला रहे हैं, तो आपको स्वयं बाहर कर दिया जाएगा। यानी तो इससे ये पता चलता है कि जो परंपराएं मान्यताएं होती हैं वो भी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण होती हैं। एक तरीके से सोशल कंस्ट्रक्शन के लिए ये भी महत्वपूर्ण होती हैं, परंपराएं और मान्यताएं। ठीक है, चलिए उसके बाद विवाह संस्कार या फिर संस्थाएं, ये भी जरूरी होती हैं। हम सबको पता है कि भैया जो समाज की जो संरचना होती है उसमें हम अंतर विवाह नहीं कर सकते, एक तरीके से समान विवाह ही करेंगे। अत्यधिक की जितने संस्थाएं हो वो भी सामाजिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जेंडर, ये तो हम सब जानते हैं कि जैसे पुरुष जेंडर हो गया, एक तरीके से महिला जेंडर हो गया, तो इस तरीके से भैया समाज का निर्माण में इनका भी रोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना के जो तत्व होते हैं उसमें जाति हो गया, धर्म हो गया, संस्कृत हो गया, परंपराएं, उसके बाद के विवाह संस्कार और संस्थाएं आदि हो गए, ये भी सामाजिक संस्था में संरचना में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उसके साथ साथ सामाजिक संरचना हेतु जो मुख्य आवश्यक तत्व हैं वो व्यक्तियों के समूह को मिलकर समाज बनता है, परस्पर संबंध से, अंतःक्रिया से, उसके साथ साथ संगठित रूप में भी समाज का संरचना का निर्माण होता है। ये इसके आवश्यक तत्व होते हैं। अगर समाज संरचना के आवश्यक तत्व को अच्छे से समझ गए हैं तो एक बार यस करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार यस करिए। कल क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा गले में पता नहीं क्यों 2 दिन से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही। जब थोड़ा सा ये पेन करने के बाद नॉर्मल हो रहा है तो क्लास हो पा रही है, वरना ये पता नहीं दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ठीक है, बाकी अगर एक बार यस करिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी प्रयास रहता है कि ज्यादा जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कराएं ताकि आपको पढ़ने के लिए समय भी दिया जाए। देखते होंगे, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर था बीएड का, चाहे आपका सेकेंड सेमेस्टर था, जब एग्जाम टाइम आ जाता तो मैं क्लास बिल्कुल बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम टाइम में व्यक्ति या भी बच्चों को स्वयं पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। ठीक है, लोग क्या करते हैं एग्जाम टाइम में भी कंटेंट दिए जाते हैं, नहीं, एग्जाम टाइम में बच्चों को मौका दीजिए। इसीलिए मैं थोड़ा सिलेबस जल्दी कवर करा रहा हूँ ताकि आपको खुद से पढ़ने के लिए मौका मिले, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ कोई टीचर नहीं होगा, कोई अध्यापक नहीं होगा, कोई सहयोगी नहीं होगा, बल्कि आपको खुद कॉपी लिखनी है, तो कॉन्सेप्ट खुद का डेवलपमेंट करना जरूरी हो जाता है। आइए सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका को समझते हैं। रोल ऑफ जेंडर इन सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसे समझते हैं, यानी समाज की जब सामाजिक संरचना होती है उसमें जेंडर की क्या भूमिका होती है, जेंडर का क्या रोल होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है, आइए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे खूब मन लगा के समझिएगा। देखिए, लिंग की भूमिका सामाजिक संरचना में क्या है, इस प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत प्राप्त होंगे। सबसे पहले, लिंग भारतीय समाज की संरचना का आधार तत्व है। हम सब जानते हैं कि भैया हमारा जो भारतीय समाज है स्त्री पुरुष में ये बांटा गया है। ठीक है,
स्त्री पुरुष थर्ड जेंडर में यह बांटा गया है, तो समाज की संरचना में इनकी भी भूमिका होती है, स्त्री पुरुष की भी थर्ड जेंडर की भूमिका होती है, तो भैया हम इसे बिल्कुल निकार नहीं सकते। तो लिंग की जो भूमिका होती है सामाजिक संरचना में, ये आधार तत्व तो होता है, बेस एलिमेंट होता है, इसे भी समझते रहिएगा। लिंग के आधार पर ही सामाजिक संरचना में पुरुषों की प्रधानता रही है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो वर्तमान में समाज चल रहा है ये एक तरीके से पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान समाज है। तो भैया ये समाज के संरचना में लिंग की भूमिका भी रहती है, इस पॉइंट को आप लोग समझ सकते हैं। लिंग के आधार पर ही भारतीय समाज में पुरुष प्रधान, पुत्र प्रधान या फिर पितृसत्तात्मक रहा है। ये भी जानते हैं कि समाज के निर्माण में जो पुरुष जाति होती है इनका चढ़बढ़ के हिस्सा भी रहता है, और लिंग एक आधार है एक तरीके से कह सकते हैं समाज के निर्माण में। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को समझ लीजिए। लिंग के आधार पर ही समाज के सभी कार्यों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि का संपादन किया जाता है। हम सब जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए अगर घर में देखिए देखते होंगे ना पूजा पाठ होता है, तो कोई ब्राह्मण ही आके उसका हवन यज्ञ कराते हैं, कोई महिला नहीं कराती। तो ये समाज के निर्माण में जो लिंग होता भी है इसका भी एक महत्वपूर्ण योग होता है कि कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं धार्मिक या फिर कोई भी कार्य का एक तरीके से आप निर्वहन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, तो उसमें लिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इन पॉइंटों को समझ में आप अच्छे से समझते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद लिंग के आधार पर ही समाज के दायित्व तथा पारिवारिक कर्तव्यों का विभाजन किया जाता है। हम सब कहते हैं कि समाज के दायित्व तो मतलब आप समाज के दायित्व तो कह सकते हैं कि पिता की, मान लीजिए किसी के पिता की वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई, तो उसकी पुत्री जो है उनका दाह संस्कार नहीं कर सकती, सिर्फ पुत्र ही करेंगे। तो लिंग के आधार पर ही समाज का निर्माण हो रहा है, समाज के नियमों का निर्माण हो रहा है, समाज के कर्तव्यों का निर्माण हो रहा है। लिंग के आधार पर इनकी भी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पॉइंट को भी आप लोग जानते रहिएगा। लिंग सामाजिक संरचना में कार्यों, उत्तरदायित्व तथा अधिकारों का प्रभावित करता है। जो आपका जेंडर होता है वो सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है, तो इसकी भी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिंग सामाजिक संरचना में रूढ़िवादी विचारों, प्रगतिशील विचारों के लिए भी जिम्मेदार है। हम सब जानते हैं कि जो भैया एक तरीके से लैंगिक रूढ़िबद्धता है, इसके वजह से समाज में खाइयां देखने को मिलती हैं, समाज में विभेद देखने को मिलता है, तो सामाजिक संरचना में लैंगिक रूढ़िबद्धता का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। ये भी अपना रोल प्ले करते हैं, भले ही समाज के एक तरीके से कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं लेकिन अपना रोल प्ले करते हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझते रहिएगा। लिंग के आधार पर ही सामाजिक संगठनों में व्यवसायिक कुरीतियां का जन्म होता है। हम सब जानते हैं जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे आपसे दहेज प्रथा हो गया, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो गया, चाहे आप कह सकते हैं सती प्रथा हो गया, चाहे एक तरीके से कि विधवा पुनर्विवाह की को रोक करने के लिए, तो ये सब लिंग के आधार पर ही किया जाता है। तो सामाजिक संगठन के लिए कुरीतियां हैं, यानी ये समाज के निर्माण में एक तरीके से ये अपना कुरीतियां एक तरीके से गलत रोल प्ले करते हैं। इन सब पॉइंट को इसमें आप लोग समझ सकते हैं। लिंग के आधार पर ही सामाजिक संरचना में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। हम सब जानते हैं कि लड़कों को ज्यादा पढ़ाते हैं, लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, ये लिंग के आधार पर ही हो रहा है। जो सामाजिक संरचना है लिंग के आधार पर भी होती है, इन पॉइंटों को समझ सकते हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार से। लिंग के आधार पर ही सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, रीति रिवाज, मान्यताओं का संचालन होता है। ये हम सब जानते हैं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भी रीति रिवाज है, वो स्त्री पुरुष में विभेद करके हम उनका संचालन करते हैं कि स्त्री हो आप ये कार्य नहीं कर सकते, पुरुष हो आप रो नहीं सकते, स्त्री हो आप हंस नहीं सकती। तो इस प्रकार से जो कार्यों का विभाजन करते हैं वो लिंग के आधार पर ही करते हैं। इन पॉइंटों को आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा। देखिए सिंपल से पॉइंट है, जितने भी आपके दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट आए कि सामाजिक संरचना में लिंग की क्या भूमिका रहती है, आंख बंद करेंगे, अगर जितने पॉइंट में बताया हूं इनमें से अगर आप 5 या 6 पॉइंट एग्जाम में लिखते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है। तो इन पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। और इसका अगर की पॉइंट कहेंगे सर जी की पॉइंट बता दीजिए, तो की पॉइंट बच्चे यही है कि सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका आधार तत्व तो माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इन सब पॉइंटों को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बना के रखिएगा। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सामाजिक संरचना का कुछ महत्व को समझते हैं, इंपॉर्टेंस को समझते हैं, सामाजिक संरचना के एक तरीके से महत्व को समझते हैं। तो सामाजिक संरचना का महत्व क्या होता है, यानी सोशल कंस्ट्रक्शन का महत्व, सुरक्षा हेतु महत्व। समाज के जितने भी प्राणी हैं, अगर भैया समाज का समाज में एक तरीके जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वो किसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत आते हैं, किसी समाज के अंतर्गत आते हैं, तो एक व्यक्ति एक दूसरे का एक तरीके से सम्मान करेंगे, महत्व देंगे, तो ये भी सुरक्षा हेतु उनकी एक तरीके सुरक्षा भी करेंगे। तो सामाजिक संरचना का ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा हेतु महत्व। उसके बाद व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु,
अगर आप किसी समाज के अंदर हैं, किसी सोसाइटी के अंतर्गत हैं, तो एक व्यक्ति का अगर विकास हो रहा है, तो साथ में साथ सभी व्यक्तियों का विकास होता है। सर्वांगीण विकास भी इसका एक तरीके से, महत्व होता है सामाजिक संरचना का, सोशल कंस्ट्रक्शन का। व्यक्ति के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए जिस प्रकार का समाज है, उस प्रकार का आप आध्यात्मिक आपका विकास भी होगा, एक तरीके से स्पिरिचुअल आपका डेवलपमेंट भी होगा। इन पॉइंटों को जानते रहिएगा। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, अगर मान लीजिए कोई सामान आपके पास है, वो आप दूसरे व्यक्ति के लिए हस्तांतरण कर देते हैं, किसी व्यक्ति के पास कोई सामान है, वो आप लेके अपना क्रियाकलाप कर ले रहे हैं, तो ये आपकी मनुष्य की जो जो आवश्यकताएं होती हैं दैनिक जीवन के लिए, वो सामाजिक संरचना से वो भी पूरा हो जाती है। विसंगतियों से बचाने के लिए, विसंगतियों को आप कह सकते हैं कुरूतियां, क्या कहते हैं सर, कुरूतियां, सर, कुरूतियों से बचाने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए भी सामाजिक संरचना महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का एक तरीके से मार्गीकरण करने के लिए तथा उनमें शोधन करने के लिए, बालक मान लीजिए कोई कुरूतियों से एक तरीके से समावित हो गया, यानी कोई उसके अंदर कोई बुराइयां आ गई हैं, तो सामाजिक संरचना उसे भी दूर कर सकती है। व्यक्ति भी जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं उसको जागृत भी कर सकती है सामाजिक संरचना। प्रेम, बंधुत्व, सहयोग, ये सब जो होते हैं सामाजिक संरचना से डेवलप किए जा सकते हैं। और अगला पॉइंट तो स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आधुनिकरण तथा गतिशीलता। सामाजिक संरचना अगर हो रही तो उसमें आधुनिकरण भी होगा। अगर कहते हैं ना कि अगर आपका भैया सामाजिक स्थिति बदल रही है, तो आप जिस समाज में हैं आपकी भी स्थिति बदलेगी। अगर सामाजिक संरचना भैया बदल रही है तो आधुनिकरण भी होगा, गतिशीलता भी आएगी, यानी इसमें रूढ़िबद्धता नहीं रहेगी। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट भैया है सामाजिक संरचना के महत्व को, इन पॉइंटों को समझ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। समाजीकरण क्या होता, अभी आप लोग सामाजिक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कि समाजीकरण क्या होता, सोशलाइजेशन क्या होता है। तो रॉस, महान रॉस साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। यहाँ पे दो पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा बच्चे, दो पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। एक हम, ठीक है, पहले एक हम समझिए कि कहते जब समाजीकरण की बात आती है ना, तो यहाँ पे हम की बात होती है। ओके सर जी, हम मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, देखो बच्चे, एक होता है मैं, एक होता है हम, इसमें अंतर होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं जा रहा हूं हिमालय पर्वत पे, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आकाश, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिमांशु ही जाएंगे हिमालय पर्वत पे। अगर मैं कह दूं हम जा रहे हैं हिमालय पर्वत पे, यानी जितने भी हमारे क्लास में बच्चे हैं, जितने भी बच्चियां हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, और जितने भी उनके माता पिता हैं, उनके परिवार वाले हैं, हमारे परिवार वाले हैं, सब लोग मिलके हिमालय पर्वत पे चले गए, तो हम कहने का मतलब है पूरे समूह की बात कर रहे हैं। तो समाजीकरण कहने का मतलब है भैया जिसमें हम की भावना हो, कोई भी कार्य आप साथ मिलके कर रहे हैं, कई व्यक्तियों के साथ मिलके कर रहे हैं, सहयोग से कर रहे हैं, तो वो जो हम की भावना रहती है वो सोशलाइजेशन से डेवलप होती है, समाजीकरण से डेवलपमेंट होती है। कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर मैं आ जाता है, मैं शब्द उत्पन्न हो जाता है, उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सर्वज्ञाता हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। कह सकते हैं हम ब्रह्मा है, हम विष्णु, हम महेश, यानी सब व्यक्ति के अंतर्गत भगवान छुपे हुए हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसके अंदर सिर्फ भगवान है और सभी व्यक्तियों के अंदर भगवान नहीं है, सभी व्यक्तियों के अंतर्गत भगवान है। तो ये हम की भावना होती है समाजीकरण में, यही रॉस साहब कहते हैं। इनकी डिफिनेशन, इनकी एक तरीके से जो भी इन्होंने बताया, इनके कोटेशन को बिल्कुल खोल के रख दिया कि क्या कहते हैं कि सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास, उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। यानी जो व्यक्ति सहयोग करता है, जो व्यक्ति सबके साथ मिलकर कार्य करता है, जिसके अंतर्गत हम भावना का विकास हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं समाजीकरण, उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। इस पॉइंट को समझते रहिएगा। अब आइए समाजीकरण की कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं, क्या होता है सामाजिक संबंधों का उनका ताना बाना, ठीक है, एक तरीके समझ सकते हैं सामाजिक संबंधों का जाल, ठीक है, सामाजिक संबंधों का सर कह सकते हैं जाल, ताना बाना जो होता है वो समाजीकरण की विशेषता होती है। इसमें सभी लोग मिल के रह सकते हैं, इस पॉइंट को समझ सकते हैं आप लोग। चलिए, हम की भावना, या हम की भावना यानी मैं की भावना ना होना, यहाँ पे हम की भावना अगर है तो समझिए समाजीकरण की विशेषता हो जाती है, ठीक है। साथ साथ काम का विकास, अपनी और दूसरे योग्यता की वृद्धि, परस्पर सहयोग की भावना अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, तो ये सब समाजीकरण की विशेषता है, ये सब सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। आइए, अब समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं हम कह सकते हैं। ये सबसे पहले वंशानुक्रम, और एक बात मैं बताऊं यहाँ पे, देखो
जो समाजीकरण प्रक्रिया है ये हम सब जानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। एक व्यक्ति अपने वृद्धावस्था तक भी समाजीकरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, वो दूसरों के साथ घुलता मिलता है, उसमें हम की भावना है, तो भैया उसका समाजीकरण हो रहा है, ये आजीवन चलता रहता है। एक तरीके से जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक समाजीकरण चलता ही रहता है। तो समाजीकरण को कुछ प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम। कहोगे सर वंशानुक्रम हेरिडिटी कैसे इसको प्रभावित करती है? देखो बच्चे, अगर किसी के माता पिता जो होते हैं थोड़ा सा क्या सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसके बच्चे भी थोड़ा सा समाजीकरण के ही होते हैं। अब अगर कुछ अपवाद भी हैं तो उन अपवादों को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर समानता बात करें कि माता पिता के आधार पर ही बच्चों का एक तरीके से उनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, तो वंशानुक्रम भी आपके जो कि एक तरीके से समाजीकरण को प्रभावित करती है। शारीरिक तथा मानसिक विकास, आपका जैसा शारीरिक विकास हुआ है, मानसिक विकास हुआ है, तो ये भी आपके एक तरीके से समाजीकरण को प्रभावित करता है। परिवार, परिवार के लोग जैसा, अगर परिवार के लोग अच्छे हैं तो समाजीकरण अच्छा होगा, परिवार के लोग अगर रूढ़िबद्ध हैं तो सामाजिक परिवार रूढ़िबद्धता के अनुसार होता है। उसके बाद संवेगात्मक विकास, ये भी प्रभावित करता है। अगर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, आप बहुत ज्यादा हंसमुख हैं, तब भी भैया समाज में आप अच्छे से नहीं रह सकते। मान लीजिए अगर कहीं किसी की डेथ हो गई है, आप जहाँ के वहां पे खूब दांत फाड़ रहे हैं, वहां पे खूब हंस रहे हैं, किसी को फोन पे बतिया रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो संवेगात्मक विकास भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। आपका संवेगात्मक विकास निर्धारित करता है कि आपका समाजीकरण कैसा हुआ है, सोशलाइजेशन कैसा हुआ है। पालन पोषण, जिस प्रकार से पालन पोषण हुआ रहता है उसी प्रकार के आपका एक तरीके से सोशलाइजेशन हुआ रहता है। समाजीकरण, आर्थिक स्थिति, अगर आपकी आर्थिक स्थिति है तो आप अच्छी है, तो आप लोगों से घुलना मिलना अच्छे से प्रारंभ मिलेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बेकार है, कहने का मतलब है कमजोर है, तो लोगों से घुलना मिलना कम पसंद करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आर्थिक स्थिति, घुलना मिलना आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि जो व्यक्ति थोड़ा सक्षम होते हैं उनके फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा होते हैं, जो व्यक्ति सक्षम कम होते हैं उनके फ्रेंड सर्कल कम ही होते हैं। और ये रूल भी होता है कि जिनके दोस्त कम होते हैं समझिए वही बढ़िया है, ज्यादा दोस्त बनाने कोई फायदा नहीं है। तो आर्थिक स्थिति जो होती है भी समाजीकरण को प्रभावित करती करती है। विद्यालय भी प्रभावित करता है, शिक्षकों का दृष्टिकोण, उसके बाद खेलकूद समूह की टोली, उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, जनसंचार के माध्यम, लिंग, ये सब जो है कि समाजीकरण को प्रभावित करते ही करते हैं। तो इन पॉइंटों को आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। आपका जेंडर भी समाजीकरण को, स्त्री आप हैं तो आपका समाजीकरण कम होता है, पुरुष हैं तो ज्यादा होगा। संचार के माध्यम से अगर आप जिस प्रकार के सूचनाएं देख रहे हैं, जिस प्रकार के आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस हिसाब से भी आपका सामाजिक संचरण हो, सामाजिक सोशलाइजेशन होता है। समूह या टोली, अगर आपकी समूह या टोली अच्छी है तो समाजीकरण अच्छा होगा, समूह की टोली बेकार है तो आपके एक तरीके से कहेंगे सोशलाइजेशन बेकार होगा। तो इस तरीके के जितने भी ये दृष्टिकोण हैं अपने आप समझ सकते हैं अपने लेवल पे कि ये समाजीकरण को प्रभावित करने वाले ये सब कारक होते हैं। इन सब पॉइंटों को अपने दिमाग पे बना के रखिएगा। हम लोग आज समझे हैं भैया सामाजिक संरचना, समाज और सोशलाइजेशन, तीनों डेफिनेशन बताया हूँ आपके। समाज से रिलेटेड सोशलाइजेशन के रॉस के डेफिनेशन को अपने दिमाग में बैठा लेना, इन पॉइंटों को अच्छे से बना लेना। और मैं सबसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखिए ये सब पॉइंट है, इतना थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ जुड़े होंगे उसमें मैं आपको सामाजिक विकास पढ़ाया हूँ। कहोगे हाँ सर जी, सोशल प्रोसेस, सोशल डेवलपमेंट पढ़ाए हैं, ये सब पॉइंट वहां पे हम लोग डिस्कस किए हैं। सेकेंड सेमेस्टर में भी हम लोग सोशल डेवलपमेंट को समझे हैं, तो अगर पूरी क्लास आप समझते हुए आ रहे हैं तो ये सब इजी हो जाएंगे। एक बार क्लास को और देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। और एक बार मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, द परफेक्ट टीचर को आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और हाँ, समय निकाल के ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखा करिए, आप सबके लिए यूजफुल क्लास होती है। और अभी जो फिलहाल में सीटेट की सीडीपी डिस्कस की जा रही है, इनको बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ लिया करिए, क्योंकि सीडीपी ही पूरे सीटेट के जितने भी पोर्शन रहते हैं सब पे अपना प्रभाव छोड़ती है, तो उनको समझिए। बाकी पैडागॉजी की मैं जल्दी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है। आप द परफेक्ट टीचरी पे नए हैं तो भैया लाइक वाइक कर सकते हैं, पुराने बच्चे हैं तब भी आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और हाँ क्लास को शेयर जरूर किया करिए। एक बार मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करा दूं, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ समझाने की चीजें नहीं थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी मैं आपको बता दिया। समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। सोशलाइजेशन क्या होता है, भैया समाजीकरण क्या होता है, जिसमें हम की भावना हो, ठीक है, जिसमें हम की भावना हो वो सोशलाइजेशन होता है। हम सभी एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं वो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। और सामाजिक संरचना कैसे, इनके कौन कौन से तत्व होते हैं, इन सब पॉइंटों को हम लोग डिस्कस कर लिए। 1 नंबर की क्लास थी, इसके बाद जो क्लास आने वाली है वो इम्पोर्टेंट क्लास आएंगी, उनको अच्छे से देखेगा। अभी अभी जो 7 क्लास थी ना, ये हम लोग बेसिक इसका तैयार कर रहे थे, लेकिन अब इसके बाद जो क्लासेज आएंगी
वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, जैसे महिला शिक्षा हो गया, ठीक है, महिला आधुनिकरण हो गया, अपशिष्ट हो गया, इन सब पॉइंटों को, महिला पर्यावरण शिक्षा से संबंधित तथ्य हो गए, इन सब पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं, समुदाय हो गया। तो आने वाली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको देखेगा। और ये मान के चलिए अब 7 से 8 क्लास और आएंगी और आपका सेकंड पेपर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग फर्स्ट पेपर को क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ेंगे, खूब अच्छे से हम लोग समावेशी शिक्षा से क्लास को शुरुआत करेंगे। उसके पहले उसमें हम लोग शायद विविध शिक्षा को और विशिष्ट शिक्षा को और शिक्षा को, इन सब पॉइंटों को डिस्कस कर लिए हैं। और आने वाली क्लास में हम लोग प्रतिभाशाली वाली बालक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी बच्चे खूब अच्छे से पढ़ा करिए, और जो क्लासेज मैं देता हूँ उनमें बिलीव करके अच्छे से पढ़िए, ये आपके लिए यूजफुल रहती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, और हाँ, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड नोट्स नहीं लिए हैं, इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले लीजिए, ठीक है। और नोट्स और क्लास को मिला के पढ़ेंगे तो खूब अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी मैं मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सभी को जय हिंद जय भारत।